नमस्कार, मैं हूं दिबांजी मेहता। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। सिनेमा घरों से कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें फिल्म देखने के बाद दर्शक फूट फूट कर रोते दिखे। चारों ओर फिल्म की चर्चा रही। नेताओं से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने फिल्म की तारीफ। अक्षय कुमार ने भी फिल्म की तारीफ की थी और कहा था कि ये एक लहर बनकर आई। इतना ही नहीं, अक्षय ने ये तक कह दिया था कि कश्मीर फाइल्स ने उनकी फिल्म बच्चन पांडे को भी डुबा दिया। उस वक्त विवेक अग्निहोत्री ने अक्षय का धन्यवाद करते हुए उनका ये वीडियो पोस्ट किया था। लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया कि तारीफ करना अक्षय की मजबूरी थी। विवेक अग्निहोत्री ने अब अक्षय समेत उन स्टार्स का भांडा फोड़ दिया जिन्होंने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें फिल्म के लिए बॉलीवुड से सपोर्ट नहीं मिला। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करनी पड़ी। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में आरजे रौनक के साथ एक इंटरव्यू किया था। इस दौरान आरजे रौनक कहते हैं, बॉलीवुड के सारे लोगों ने आपकी फिल्म की सराहना की है। इसके जवाब में तब विवेक अग्निहोत्री ने कहा, जैसे जैसे नाम बताओ। जिसके बाद आगे आरजे रौनक ने कहा, अक्षय कुमार ने बोला। तभी विवेक ने जवाब देते हुए कहा, वो तो मजबूरी में, क्या बोलेगा आदमी जब 100 लोग सामने खड़े होकर सवाल पूछेंगे कि कश्मीर फाइल्स चली आपकी फिल्म नहीं चली। मैं एक फंक्शन में था भोपाल में तो उन्हें बोलना पड़ गया। पीछे कोई तारीफ नहीं करता, ना ही किसी ने मैसेज करके उनकी तारीफ की। हो क्या रहा था कि वो अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए जाते थे और मीडिया के लोग कश्मीर फाइल्स पर सवाल पूछते थे तो उन्हें जवाब देना होता था। बता दें कि मार्च में अक्षय और विवेक भोपाल में एक इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अक्षय ने कहा था कि द कश्मीर फाइल्स एक लहर बनकर आई जिसने सभी को झंझोर दिया और उनकी फिल्म को भी डुबो दिया। तब अक्षय के इस रिएक्शन की काफी तारीफ हुई थी। लेकिन अब विवेक अग्निहोत्री ने अक्षय कुमार का भांडा फोड़ दिया। बता दें कि अक्षय की बच्चन पांडे द कश्मीर फाइल्स के रिलीज के एक हफ्ते बाद थिएटर्स में आई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स ने काफी जोरदार टक्कर दी थी। द कश्मीर फाइल्स के आगे अक्षय की फिल्म का बुरा हाल हो गया था और अब विवेक ने अक्षय पर इस तरह का खुलासा कर सभी को हैरान कर दिया। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विवेक अग्निहोत्री के इस खुलासे पर अक्षय किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।